Hello students, let's continue chapter 13 of maths of class 8th, that is direct and inverse proportions. In this video, we will solve the remaining sum of exercise 13.1. Fifth sum. A photograph of a bacteria enlarged 50,000 times. डायग्राम वट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द फोटोग्राफ इज एन लार्ज ट्वेंटी थाउजेंड टाइम्स ओनली वुड बी इट्स एन लार्ज लेंथ स्टूडेंट इस समय यहाँ देखो ये पिक्चर है बैक्टेरिया की इस समय दिया गया है की अगर हम इस पिक्चर को फिफ्टी थाउजेंड टाइम्स एन लार्ज मीन्स बड़ा करके देखे मीन्स जैसे जूम करके देखते हैं माइक्रोस्कोप से देखते हैं अगर हम इसको फिफ्टी टाइम्स फिफ्टी थाउजेंड टाइम्स बड़ा करके देखते हैं तो इस पिक्चर की जो लेंथ है वो फाइव सेंटीमीटर होती है अब हमें फाइंड करना है वॉट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टेरिया नेक्स्ट फिर हमें फाइंड करना है कि इफ द फोटोग्राफ इज एन लार्ज ट्वेंटी थाउजेंड टाइम्स ओनली अगर हमें हम इसको ट्वेंटी थाउजेंड टाइम्स जूम करके मीन्स बड़ा करके देखते हैं वोट वुड द इट्स एन लार्ज लेंथ तब इसकी लेंथ कितनी होगी लेट्स सॉल्व फिफ्थ सम सॉल्यूशन ऑफ फिफ्थ सम सबसे पहले हम यहाँ पर टेबल ड्रॉ करेंगे एनलार्जमेंट इन पिक्चर ऑफ बैक्टीरिया इज फिफ्टी थाउजेंड एंड लेंथ इन सेंटीमीटर इज फाइव अब हमें एक्चुअल लेंथ फाइंड करनी है तो हम यहाँ पर वन टाइम वन टाइम से स्टार्ट करेंगे और हम फाइंड करेंगे लेंथ इन सेंटीमीटर सो स्टूडेंट दिस इज एक्स वन फिफ्टी थाउजेंड एंड वन इज एक्स टू फाइव इज वाई वन एंड हमें वाई टू फाइंड करना है अब फिफ्टी थाउजेंड टाइम्स अगर एनलार्ज होता है तो उसकी लेंथ फाइव सेंटीमीटर होती है अगर हमने वन किया है टाइम्स हमने कम किया है तो उसकी लेंथ भी कम होगी मीन्स दोनों डिक्रीज हो रहे हैं तो हम कह सकते हैं इट इज केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन नाउ सॉल्व एक्स वन अपॉन वाई वन इज इक्वल टू एक्स टू अपॉन वाई टू एक्स वन इज फिफ्टी थाउजेंड एक्स टू इज वन वाई वन इज फाइव एंड वाई टू हमें फाइंड करना है देयर फोर फिफ्टी थाउजेंड अपॉन फाइव इज इक्वल टू वन अपॉन वाई टू अब हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे फिफ्टी थाउजेंड मल्टीप्लाई वाई टू इज इक्वल टू वन मल्टीप्लाई फाइव वाई टू इज इक्वल टू वन मल्टीप्लाई फाइव अपॉन फिफ्टी थाउजेंड इज इक्वल टू वन अपॉन टेन थाउजेंड सो स्टूडेंट्स हम वन अपॉन टेन थाउजेंड को लिख सकते हैं टेन रेज टू पावर माइनस फोर Hence the actual length of bacteria is 10 raised to power minus 4 centimeter. Now the photograph is enlarged 20,000 times. Fix a table draw karna hai, and 50,000 is x1 and 20,000 is x2. 5 is y1 and upper y2 find karna. Hai. अब हमें फाइंड करना है कि ट्वेंटी थाउसेंड टाइम्स अगर हम एनलार्ज करते हैं जूम करके देखते हैं तो उसकी लेंथ बैक्टीरिया की लेंथ कितनी होगी तो यहां पर भी अगर फिफ्टी थाउजेंड हम जूम करके देख रहे हैं तो लेंथ फाइव सेंटीमीटर है अगर ट्वेंटी थाउजेंड हम जूम करेंगे तो उसकी लेंथ कम होगी तो यहां पर भी ये डिक्रीज हो रहा है तो ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है अब हम यहां पर लिखेंगे एक्स वन इज इक्वल टू फिफ्टी थाउजेंड वाई वन इज इक्वल टू फाइव एक्स टू इज इक्वल टू ट्वेंटी थाउजेंड वाई टू हमें फाइंड करना है सो देअ फॉर एक्स वन अपॉन वाई वन इज इक्वल टू एक्स टू अपॉन वाई टू फिफ्टी थाउजेंड अपॉन फाइव इज इक्वल टू ट्वेंटी थाउजेंड अपॉन वाई टू क्रॉस मल्टीप्लाई वाई टू मल्टीप्लाई फिफ्टी थाउजेंड इज इक्वल टू फाइव मल्टीप्लाई ट्वेंटी थाउजेंड सो स्टूडेंट्स यू कैन सी हियर यहाँ पर जीरो जीरो ये कैंसिल हो गई एंड फाइव से फाइव कैंसिल हो गया और वी गेट टू वाई टू इज टू दार्ज लेंथ वुड बी टू सेंटीमीटर सम इन अ मॉडल ऑफ अ शिप द मस्ट इज नाइन सेंटीमीटर हाई वाई द मस्ट ऑफ द एक्चुअल शिप इज ट्वेल्व मीटर हाई इफ द लेंथ ऑफ द शिप इज ट्वेंटी एट मीटर हाउ लोंग इज द मॉडल शिप स्टूडेंट इस समय एक मॉडल ऑफ शिप है और एक एक्चुअल शिप है इसमें मॉडल ऑफ शिप है जिसमे मस्ट की हाइट नाइन सेंटीमीटर है स्टूडेंट फिगर में देख सकते हो दिस इज मस्ट ये मस्ट होता है जो ये एंड एक्चुअल शिप के जो मस्ट है उसकी हाइट ट्वेल्व मीटर है नाउ इफ द लेंथ ऑफ शिप इज ट्वेंटी एट मीटर अगर जो एक्चुअल शिप है उसकी लेंथ ट्वेंटी एट मीटर है हाउ लोंग इज द मॉडल शिप सो स्टूडेंट अब हमें फाइंड करना है की जो मॉडल शिप है उसकी लेंथ कितनी है सोल्यूशन ऑफ सिक्स पहले हम यहाँ पर टेबल ड्रॉ करेंगे इसमें एक्चुअल शिप एंड मॉडल शिप हमें यहाँ पर ये दोनों लिखना है लेंथ ऑफ द शिप एक्स हमने यहाँ पे एज्यूम किया है 28 मीटर है हाइट ऑफ मास्ट वाई हमने एज्यूम किया है ये 12 मीटर है किसकी एक्चुअल शिप की अब मॉडल शिप की हमें लेंथ फाइंड करनी है सो so, हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स डाला है एंड हाइट ऑफ मास्ट ऑफ मॉडल शिप कितना है 9 सेंटीमीटर सो दिस इज एक्स वन X2 हमें फाइंड करना है दिस इज y1 वन एंड दिस इज y2 टू अब यहां पर देखो 28 मीटर एंड 12 मीटर लेंथ 28 मीटर है तो हाइट 12 मीटर है अब हाइट कम हो गई है यहां पर हाइट 9 सेंटीमीटर है तो उसकी लेंथ भी कम होगी तो ये किसमें हो गया डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम यहाँ पे लिखेंगे दिस इज केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन हियर एक्स वन इज इक्वल टू ट्वेंटी एट मीटर वाई वन इज इक्वल टू ट्वेल्व मीटर एंड एक्स टू हमें फाइंड करना है वाई टू इज इक्वल टू नाइन सेंटीमीटर एक्स वन अपॉन वाई वन इज इक्वल टू एक्स टू अपॉन वाई टू देअर फोर ट्वेंटी एट अपॉन ट्वेल्व इज इक्वल टू एक्स टू अपॉन नाइन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 12 मल्टीप्लाई x2 टू इज इक्वल टू नाइन मल्टीप्लाई ट्वेंटी is एक्स टू इज इक्वल टू नाइन मल्टीप्लाय is एट अपॉन ट्वेल्व इज इक्वल टू 3 थ्री झा नाइन थ्री फोर जा ट्वेल्व फोर सेवन जा सेवन इज इक्वल टू ट्वेंटी वन सो हमें यहाँ पे x2 की वैल्यू फाइंड हुई है ट्वेंटी वन दस the length of model ship is 21 cm students seventh and eighth sum is your homework so you have to do by yourself students we will solve remaining sums of this exercise in next video thank you